हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो क्लास 10 का ये वीडियो है और आपके सामने जो ये प्रश्न लिखा हुआ है वो 3.4 के पहला का चौथा नंबर प्रश्न है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला का तीसरा नंबर तक हमने कल के वीडियो में बना दिए थे, तो आज हम शुरू करते हैं पहला के चौथे नंबर के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ वो इसलिए है क्योंकि जो ये दो चर वाले रेखीय समीकरण के जो रूप होते हैं वो इस रूप में होता है, बी वाई बराबर सी, जबकि ये जो है बटा में है और यहाँ पे ये इस तरीके से है। तो हम इन दोनों समीकरण को जो आपके किताब में दिया हुआ है, इन दोनों समीकरण को हम पहले ठीक करेंगे। ठीक करने के बाद इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, इन दोनों का हम लसा ले लेंगे। 3 और 2 का लसा 6 होता है, 2 × 3 = 6 और 3 का ऊपर से करेंगे तो 3x प्लस है तो प्लस दे देंगे, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 में -1 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा और इसे हम कहेंगे समीकरण 1। फिर दूसरे वाले में भी नीचे 1 छुपा हुआ है तो 3 और 1 का लसा 3, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा और 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा और माइनस 3 से 3 कट जाएगा, y हो जाएगा इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 3x माइनस y इक्वल टू 3 × 3 = 9। समीकरण 2। अब हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हम लोग हल कैसे करते हैं, तो दोनों समीकरण में से, दोनों चर में से किसी एक चर को बराबर करना होता है और जब हम उस एक चर को बराबर कर लेंगे तो दूसरे वाले चर का मान निकालना होता है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में एक चर पहले से ही बराबर है, यानी कि इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जैसे का तैसा यहां लिख दीजिए दोनों समीकरण। ये है समीकरण फर्स्ट 4y = -6 और दूसरा समीकरण है 3x - y = 9। और अब देखिए यहां पे ये दोनों चर आपस में बराबर है लेकिन अभी ये कट नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गणित में कभी भी प्लस से प्लस नहीं करता है और माइनस से माइनस नहीं करता है, तो इसलिए हमें इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा और चिन्ह बदलने का बस एक ही नियम है कि हमें इस इक्वेशन को घटाना पड़ेगा। तो हम क्या यहां पर लिख देते हैं कि घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये आपस में कट गए। दोनों का चिन्ह प्लस हो गया है यानी कि 4 और 1 = 5y हो गया और यहाँ पे दोनों का चिन्ह माइनस है तो इसलिए भी दोनों जुटेगा, चिन्ह माइनस का होगा और 9 और 6 = 15 हो जाएगा। y = -15/5 इसको कट करेंगे तो 3 होगा तो y का मान -3। जैसे ही y का मान आ जाए, y का मान समीकरण 1 2 आप कहीं पर भी रख सकते हैं, किसी में भी आप रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इतना बराबर -6 यानी कि 3x + 4 × y = -3 है इक्वल टू -6 यानी कि 3x + -4 × 12 और -6 तो 3x बराबर आप कहेंगे कि 6, माइनस से उधर लेके चलिए प्लस हो गया और 3x = 6 तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि x = 6/3 यानी कि क्रॉस जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2। x का मान 2 और y का मान -3 और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि कल हमें कुछ लोग व्हाट्सएप पे होमवर्क वो बना के भेजे थे, हमें अच्छा लगा कि मेरे साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक अपना होमवर्क नहीं भेजे हैं, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आप, हम भी मेहनत कर रहे हैं और साथ में आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। फिर से इस क्वेश्चन को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करके प्रतिस्थापन विधि से हल करके आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप नंबर हम आपको कल भी बताए थे कि डिस्क्रिप्शन में है मेरा नंबर, उस डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर लेके, चाहे मेरा ग्रुप है एक एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, उस ग्रुप को भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आप अपना होमवर्क का
जो होमवर्क जो बनाए हैं उसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि आप हमारे साथ घर पे मेहनत कर रहे हैं, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उससे डबल आप मेहनत कर रहे होंगे, यही उम्मीद करते हैं। तो जो लोग कल के वीडियो देखकर भी अगर अपना होमवर्क नहीं भेजे हैं तो हम उनसे यही कहेंगे कि आज फिर से आप हमें एक ये एक क्वेश्चन इसका भी प्रतिस्थापन विधि से और कल का तीन तीनों का और इसका एक चार का प्रतिस्थापन विधि होमवर्क का जो भी होगा उसको फोटो खींच के जो आप बनाए होंगे उसका फोटो खींचेंगे और फोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। तो ठीक है, हम थोड़े से साइड हो जाते हैं, आप इसको उतार लीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न है कि एक से लेकर चार तक के जो पहला दूसरा तीसरा चौथा था उसमें क्या था कि सभी इक्वेशन दिए हुए थे, सभी समीकरण दिए हुए थे, सिर्फ उसको विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि या दोनों विधि से हल करना था। अब जो है दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 3.4 का, उसमें क्या है कि समीकरण नहीं दिया है, वो इस तरीके से एक समस्या दिया है और इस समस्या को पढ़ के हमें समीकरण तैयार करना है और जब हम समीकरण तैयार कर लेंगे तो उस समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। तो समीकरण कैसे तैयार होता है हम आपको पहले ही बताया है कि क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चंस बोल रहा है सिर्फ हम उतना काम करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करें। भिन्न ज्ञात करना है, हम आपको कल भी बताए थे कि भिन्न कैसा होता है, जस्ट लाइक अ परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन शर्त क्या होता है कि Q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q जो नीचे की जो संख्याएं होगी, जो हर की जो संख्या होगी वो 0 नहीं होना चाहिए, तब हम उसे हम भिन्न कहेंगे। और भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है, तो हम यहाँ पे पहले मानना पड़ेगा कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो ऑटोमेटिक इसलिए कहेंगे आप लोग कि सर भिन्न ऑटोमेटिक ये x/y हो गया। जब हम अंश को x मान लिए, हर को y मान लिए, तो भिन्न ऑटोमेटिक x/y हो गया। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़ते हैं कि यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं बटा तथा हर में एक घटा दे, चलिए हर में से एक घटा देते हैं, तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि भिन्न एक हो जाता है, यानी कि एक को हम 1/1 लिख सकते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x+1 और इस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y-1, y को इधर और प्लस को इधर, यानी कि ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा और ये माइनस है इधर जाएगा, प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x-y = आप बोलेंगे कि समीकरण एक ये तैयार हो गया। आते हैं पुनः प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है आगे कि यदि हम हर में, यानी कि इस पर अंश में हमें कुछ नहीं करना है, तो जो अंश है उसे छोड़ दिए, अंश हमारे पास x था तो x को जैसे का तैसा छोड़ दिए। क्या बोल रहा है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, भिन्न 1/2 हो जाती है। तो यहां पे फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से 2x हो जाएगा और 1 से गुना करेंगे तो ये जैसे का तैसा रह जाएगा। y को आप इधर ले आइए तो इतना प्लस है, इधर होगा तो माइनस हो जाएगा, =1। समीकरण 2, हमने समीकरण 2 तैयार कर लिया। जैसे ही हम लोग समीकरण 2 को तैयार कर लिए फिर इसे हम विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में हमें क्या देखना है कि दो चर को बराबर करना है, एक चर को बराबर करना है दोनों समीकरण में। तो देखिए समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, दोनों समीकरण में y बराबर है, y तो y है, तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, यहां लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 को यहां पे हम उतार लेंगे और समीकरण 2 यहां पे है, और यहां से हम क्या देख रहे हैं कि y ऑटोमेटिक बराबर है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा समस्या क्या है कि यहां भी y है और यहां भी y है, जब दोनों जगह y दिया हुआ है तो दोनों का चिन्ह माइनस है,
तो माइनस माइनस तो कभी कटता नहीं है, मैथ में प्लस और माइनस करते हैं, तो इसलिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा कि घटाने पर, जब घटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कट गए, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा होगा, तो यहां पर माइनस दो बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह होगा, और दो में से एक जाएगा तो एक बच जाएगा, यहां भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है, माइनस हो जाएगा दो और एक तीन, यानी कि x बराबर तीन, x का मान आ गया, जैसे ही x का मान आ गया तो x का मान आप कहीं भी रख सकते हैं समीकरण एक में रखने पर, रखने पर। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर समीकरण एक में ही क्यों रख रहे हैं आप, बार बार लीजिए हम समीकरण दो में इस बार रख देते हैं, तो समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो हमारा ये था कि 2x माइनस वाई इक्वल टू वन, यहां से 2 इंटू एक्स का मान 3 है, 2 3 रख दिए, y इक्वल टू 1, 3 दूनी के 6, y इक्वल टू 1, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 6 हो गया तो y इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान 1, x का मान आ गया, y का मान आ गया, हमें ज्ञात क्या करना था, तो हमें ज्ञात करना था भिन्न, आपने भिन्न को क्या माना हुआ है, x बटा वाई, तो यहां पर लिख देंगे, इसलिए भिन्न बराबर x बटा वाई बराबर x का मान 3 है, y का मान 5 है, और ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी, हम थोड़े साइड हो जाते हैं, आप इसको उतार लीजिएगा, मिलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दूसरा का दूसरा, कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। दूसरा का दूसरा नंबर प्रश्न है एक्सरसाइज 3.4 का, कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु, मतलब यहां पे वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ज्ञात करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम आपको जैसे बताए थे एक बार पहले कि अगर आज अगर कोई आपसे ये पूछे कि आज आप अगर 15 साल के हैं, अगर हम अगर कोई आपसे कहे कि आज आप 15 साल के हैं, तो आज से 5 वर्ष पूर्व आप कितने साल के थे, तो जितना हमारा वर्तमान आयु होता है पूर्व अगर कह दे तो उसमें हम घटा देते हैं अपने वर्तमान आयु में, और हम कहेंगे कि 10 वर्ष पहले हम 5 वर्ष पहले हम 10 वर्ष के थे, और अगर बाद कहे तो वर्तमान उम्र में वो उतने वर्ष जोड़ देंगे, यानी कि 10 वर्ष कहे तो हम जोड़ देंगे और कहेंगे कि 10 वर्ष बाद हम 25 साल के हो जाएंगे, मतलब पूर्व कहे तो अपने वर्तमान आयु में से घटा देना है और बाद कहे तो अपने वर्तमान आयु में से जोड़ देना है। तो आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ, 5 वर्ष पूर्व यहां पर हमें ज्ञात क्या करना है, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु। तो हम मान लेते हैं, माना कि नूरी की आयु बराबर x, और वर्तमान आयु लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, वर्तमान आयु बराबर x और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु में से पूर्व बोला है तो वर्तमान आयु में से जितना वर्ष पूर्व बोला है उतना वर्ष को हम घटाएंगे, यानी कि यहां से हो जाएगा x माइनस 5। तो सोनू की आयु जितना वर्तमान है उसमें से घटा देंगे। क्वेश्चन क्या बोला था, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व तो ये है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, सोनू की आयु तो ये है y माइनस 5, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब कि सोनू की आयु में अगर आप 3 से गुना करेंगे तो नूरी की आयु बराबर होता था, कब, आज से 5 वर्ष पूर्व। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5 3 से गुना करेंगे तो यहां 3y और माइनस 15, 5 को इधर और 3y को इधर, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, समीकरण 1 तैयार। फिर से
अब आगे पुनः प्रश्न से, आगे की प्रश्न क्या बोल रहा है? आगे का प्रश्न यहां तक तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया। आगे का क्या बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद, तो बाद का बात बोल रहा है ना। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या थी? नूरी की आयु अगर आज वो 1 वर्ष की है तो 10 वर्ष बाद क्या होगा? 1 + 10 हो जाएगा। बाद में जुड़ता है वर्तमान में, और सोनू की आयु क्या हो जाएगा? सोनू का आयु हो जाएगा जो आज है उसमें से 10 इसमें भी जुटेगा। क्वेश्चंस को फिर से जाइए कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी? 1 + 10, और सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु क्या है? सोनू की आयु है y + 10, यानी कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब कि सोनू की आयु में अगर आप 2 से गुना कर देंगे तो नूरी की आयु आपस में बराबर होगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो 1 + 10 = 2y + 10, 2 से गुना करेंगे तो 10 × 20, इसको इधर ले आते हैं इसको उधर भेज देते हैं तो x - 2y = 20 - 10, यानी कि x - 2y = 10, और ये है हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 तैयार है, समीकरण 2 तैयार है, और इसके आगे का हम नहीं बनाएंगे, इसके आगे का हम कल बनाएंगे। आपका होमवर्क में हम इसको छोड़ देते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से बना के हल करना है। सॉरी, प्रतिस्थापन विधि से भी बना लीजिएगा, और या तो आप विलोपन विधि से भी बना लीजिएगा, किसी भी विधि से बना के आप हमें इसका व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फिर से है कि आपका व्हाट्सएप नंबर कहाँ से मिलेगा सर? तो डिस्क्रिप्शन में है मेरा नंबर, और या तो हम यहाँ भी लिख देते हैं अपना नंबर 8651515351, ये है हमारा नंबर, आप इस पे हमको व्हाट्सएप करेंगे जो आप अपना होमवर्क बनाए होंगे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में होंगे, अपने घरों में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, बेवजह बाहर नहीं निकल रहे होंगे, और निकलना भी नहीं है जब तक हमारी स्थिति जो ये कोरोना से है, जब तक ये स्थिति कंट्रोल से में नहीं आती है तब तक हमें अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है और न ही किसी और को निकलने देना है। तो घर पे रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, और ये जो एक होमवर्क छोड़े हैं वो होमवर्क आप बिल्कुल अच्छे से बना के आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, यही उम्मीद करते हैं। कल हम इसका सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कम से कम सभी लोगों का, जितने लोग हमारे व्हाट्सएप ये वीडियो को देखेंगे उन सभी लोगों से का, अगर जितने लोग व्यूअर होंगे हमारे उतने व्हाट्सएप आने चाहिए, तब जाके इसको हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, थोड़े से साइड हो जाएंगे, वीडियो को रोक के आप इसको अच्छे से उतार लीजिएगा और इसका होमवर्क बना लीजिएगा, और अपने घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और पढ़ते रहिएगा मन लगा के। चलिए, थैंक यू।